नमस्कार सो और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिग्नल फास्ट पोस्ट में। 200 वीडियो में आप सभी को एक कमाल का सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। आपका फोन आपको बोलकर बताएगा आपके फोन में किसका कॉल आ रहा है। अगर आपके फोन में जतिन का कॉल आ रहा होगा, आपका फोन आपको बोलकर बताएगा जतिन का कॉल आ रहा है, या फिर आयुष का कॉल आ रहा होगा, आपका फोन बताएगा आयुष का कॉल आ रहा है। तो जिसका भी कॉल आएगा उसका नाम लेकर आपका फोन आपको बताएगा। उसके अलावा अगर आपके फोन में व्हाट्सएप से मैसेज आएगा, आपका फोन आपको बोलकर सुनाएगा किसका मैसेज है, मैसेज में उसने क्या लिखा है। उसके अलावा आपके फोन में बैटरी परसेंटेज क्या है, टाइम क्या हुआ है, कम्प्लीटली आपका फोन आपको बोलकर सुनाएगा बताएगा। लेकिन कैसे ये सेटिंग फोन में करना है जानने के लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और ये कमाल का सीक्रेट सेटिंग आप फोन में कर सको, ताकि जब भी आपके फोन में किसी का कॉल आए उसका नाम आपका फोन आपको बोलकर बताए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए टॉप ट्रिक्स, या फिर आपके मन में जो भी सवाल हो जरूर से हमें यहाँ पर कमेंट कर देना। दोस्तों किसी भी एंड्रॉइड फोन में उस अल्टीमेट सीक्रेट सेटिंग को करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, ताकि आप सही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सको। सिर्फ ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने से नहीं होगा, एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, तभी एप्लीकेशन आपके फोन में प्रॉपरली वर्क करेगा। देन यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसे यहाँ पर क्लिक करके स्किप कर दीजिए, फिर एनेबल के ऊपर क्लिक कीजिए और ये परमिशन अलाउ कर दीजिए। परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के बाद यहाँ पर ऐप लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर मैं इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा, आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, फिर यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लैंग्वेज हैं, सो यहाँ पर इसे हिंदी सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और ये देखिए हिंदी में हो गया। फिर इसे डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ पर एनेबल, अगर ये ऑफ होगा तो यहाँ पर इसे ऑन कर देना। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए बैटरी सेटिंग, बस यहाँ पर बैटरी सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। फ्री एप्लीकेशन है, हो सकता है आपको यहाँ पर एड देखने को मिले, तो यहाँ से एड को कट कीजिए। एड कट करने के बाद यहाँ पर देखिए बैटरी अनाउंसर, इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है। देन यहाँ पर आइए चार्ज अनाउंसर, इसे भी ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको देखिए रिपीट अनाउंसमेंट, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, वंस, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, अपने हिसाब से आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से बैक कीजिए, बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइम सेटिंग, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये भी सेटिंग करना है, बैटरी सेटिंग जैसे मैंने किया वैसे आपको यहाँ पर ये करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। और यहाँ पर ऐप सेटिंग्स पर आइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन एक्सेस, ये परमिशन एप्लीकेशन में अलाउ कर दीजिए। फिर यहाँ से बैक कीजिए, बैक करने के बाद यहाँ पर ऐप अनाउंसर, इसे ऑन कीजिए। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऐप्स, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर मैं व्हाट्सएप सिलेक्ट करूँगा, बस इसे ऑन कर दीजिए यहाँ से। फिर यहाँ से बैक कीजिए, बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए रिपीट अनाउंसर, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से बैक कीजिए और यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में आ चुका है, यानी ये एक्टिव हो चुका है। फिर यहाँ पर SMS सेटिंग, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर इसे करना है, यहाँ पर इसे ऑन कर दीजिए और रीड मैसेज इसे ऑन कर दीजिए, अलर्ट फॉर SMS इसे भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। देन यहाँ पर इसे बैक कीजिए और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो कॉल आएगा आपको बोलकर बताएगा किसका कॉल आ रहा है, यहाँ पर कॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और कॉल अनाउंसर इसे ऑन कीजिए। रिपीट अनाउंसमेंट, यहाँ पर आप टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लेना। फिर यहाँ पर देखिए रिपीट टाइम डिले, देन यहाँ पर आपको इसे 1 सेकेंड सिलेक्ट करना है, ठीक है। अनाउंस इन कॉल, इसे नहीं ऑन करना है। सेट कॉल अलर्ट मैसेज, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपके लिए इनकमिंग कॉल है, तो यहाँ पर आपको बताएगा अगर आपके पास जिसान का कॉल आ रहा होगा, या फिर आयुष का, या फिर सौरभ का, मान के चले सौरभ का कॉल आ रहा है आपके फ़ोन में, तो यहाँ पर बताएगा सौरभ का कॉल आपके लिए इनकमिंग कॉल है, ठीक है, तो ये आपको बताएगा।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर मैसेज डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे ऑन कर देना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन वन एनेबल मैंने व्हाट्सएप किया है, जैसे व्हाट्सएप से मैसेज आएगा यहाँ पर बोलकर बताएगा किसने और मैसेज में क्या लिखा है उसने। तो अगर आपको ये सेटिंग आप कर लेते हो आपके फ़ोन आपको बोलकर बताएगा कॉल मैसेज बैटरी परसेंटेज टाइम क्या हुआ है, और आपको यहाँ पर देखना इस तरीके से ग्रीन होना चाहिए ये सारे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।